तो प्यारे मित्रों देखिए 20 फुट का रोड है, देख सकते हैं आप, ठीक है, पूरे 20 फुट की लेंथ है इसकी। और इसमें जो है कि सीवर डल चुका है, पक्का आरसीसी का रोड बन चुका है, बिजली भी है, पानी भी है। 20 फुट का जो है कि चौड़ा फ्रंट है और 36 फुट की गहराई है इसकी। इसी गली में हमारा घर है जिसमें आप देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, ठीक है। ऑन रोड मुंड का कराला रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो सुविधा वही है, रोड, नाली, बिजली, पानी और सीवर का काम अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लोकेशन आप देख लीजिए, अगल बगल जो है कि घर बढ़िया बने हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक 80 गज का प्लॉट लेके आया हूँ जिसमें आपको 40 गज का भी साइज मिल जाएगा, 40 गज का भी प्लॉट मिल जाएगा। और लोकेशन ऐसी कि आप एक बार आएंगे तो दूसरी बार ये नहीं कहेंगे कि नहीं भाई वो चीज़ गलत थी या फिर वो प्लॉट गलत था। बिल्कुल आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ अभी 25 फुट के चौड़े रोड पर और ये एक तरह से चौक बन रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी, चाहे आप पीछे देखें तो इधर भी, चाहे आप ये देख लीजिए इधर भी रोड का काम चल रहा है, सरकारी काम चल रहा है। और कुछ ही दूरी पर आप सामने देखिए ये जो रेड सा आपको दिख रहा है ना, रेड रेड, वो ऑन रोड बिल्डिंग है, यानी कि मुंड का कराला रोड है। बैक कैमरे से दिखा तो वो आप देख सकते हैं कि सामने, बिल्कुल सामने आप देखिए ऑन रोड मुंड का कराला रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ जी। देखिए गाड़ियाँ जा रही है ना जहाँ से, तो मुंड का कराला रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ मैं। तो उस रोड से 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं और हमारा जो प्लॉट है उस पर ये वाला रोड भी एंट्री रोड कहलाएगा और एक और रोड है जो भाग्य विहार का मेन बस स्टैंड है वो वाला जो रोड है वो भी आता है। तो भाई दो तरफ से आप आ सकते हैं, जो मेन भाग्य विहार का बस स्टैंड है वहाँ से आइए, ठीक है, या फिर आप यहाँ से आ जाइए। दोनों ही जगह से जो हमारी प्लॉट की लोकेशन है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर मैं आपको आसपास की लोकेशन दिखाऊंगा तो उसे भी आप कहेंगे हाँ जी ठीक है। देखिए एक बार देख लीजिए पीछे से, इसी गली में हमारा घर है जिसमें आप देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, ठीक है ना। और एक बार मैं इस वाले रोड पे भी आपको दिखाता हूँ, इस गली में हमारा घर है तो इसमें आप चाहें इस तरफ से आ जाइए यहाँ से, जो मैंने कोने पर भी आपको दिखाया खड़े होकर जहाँ पर नाली बन रही है, या फिर आप यहाँ से आ जाइए, यहाँ पर भी मैं आपको एक बार प्लॉट रोड दिखा देता हूँ, मेन बस स्टैंड है जो भाग्य विहार का वो दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है कि हम इस गली में, जो कि पक्की गली है, सारा काम हो चुका है, उस पर चलेंगे अपने प्लॉट के पास, ठीक है। तो थोड़ा कदम तेज़ चलाएंगे इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बड़ी ना हो, तो आपको दिखा देते हैं। चंद कदमों की दूरी पर है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाना है। ये लीजिए आ गए भाई, कहीं नाले में ना गिर जाए क्योंकि यहाँ भी काम चल रहा है। देखिए नाली का सामने बस स्टैंड है, बैक कैमरे से दिखाता हूँ एक बार। सामने आप देख लीजिए भाग्य विहार का बस स्टैंड, जहाँ से मैंने आपको 60 गज का प्लॉट दिखाया था वही रोड है। 60 गज के प्लॉट से जो पहली गली थी ये लास्ट वाली गली है, ठीक है। तो यहाँ से आप आ सकते हैं और यही 20 फुट का रोड ये वाला, ठीक है, एक रोड पार करके, यानी कि कोने से टर्न लेते हैं आप, बस स्टैंड से डायरेक्ट आ सकते हैं। और बस स्टैंड से डायरेक्ट आने के बाद आप प्लॉट पे आ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारी ये वाली गली लगेगी। अब देखिए इतनी डिटेल में कोई नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है, ये वाली गली लगेगी और सामने ही प्लॉट है जहाँ से बच्चे आ रहे हैं। चलिए प्लॉट के पास चलते हैं फिर बात करते हैं। तो प्यारे मित्रों देखिए 20 फुट का रोड है, देख सकते हैं आप, ठीक है, पूरे 20 फुट की लेंथ है इसकी। और इसमें जो है कि सीवर डल चुका है, पक्का आरसीसी का रोड बन चुका है, बिजली भी है, पानी भी है। पानी आपको दिखा दूँ, देखिए अभी आ ही रहा है, ये देख लीजिए आप, पानी जो है कि लीक भी हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो पानी जो है कि लीक भी हो रहा है। आप सोचते होंगे हरदम पानी दिखा दो, भाई दिन भर पानी आता है, बड़ी समस्या है ये, ठीक है ना। अगर पानी थोड़ा कम आता ना तो ये रहता कि यहाँ भाग्य विहार में जो आसपास पानी है ना वो थोड़ा कम भरता, ये मेन कारण है। ऐसी बहुत सारी पाइपें लीक होती हैं। तो हमारा जो 80 गज का प्लॉट है उसके दर्शन करा देते हैं। तो ये हमारा 80 गज का प्लॉट है जी, ठीक है, इस घर से लगता हुआ, इस घर से देख लीजिए, टूटा फूटा घर है, काफ़ी पुराना, इस घर से लगता हुआ, ठीक है, 20 फुट का फ्रंट पड़ेगा, यानी कि यहाँ से लेकर और ये जो मलबा गिरा हुआ है यहाँ तक 20 फुट का जो है कि चौड़ा फ्रंट है और 36 फुट की गहराई है इसमें, ठीक है, 20 फुट का फ्रंट और 36 फुट की गहराई, और साथ में
फ्रंट पे देखिए घर भी अच्छे बने हुए हैं और 20 फुट की चौड़ी गली भी है। और मेन जो हमारा ऑफिस वाला रोड है, मंगल बाज़ार जो रोड है, काली माता मंदिर रोड है, ये जो कार खड़ी है ये बिल्कुल यही है। जो सामने दुकान दिख रही है ना, वो हमारे ऑफिस वाले रोड पे ही है। मंगल बाज़ार जो काली माता मंदिर रोड है उसी पे है और मंगल बाज़ार चौक से बिल्कुल निकट है। एक बार बैक कैमरे से आपको आसपास का पूरा माहौल दिखा देता हूँ, फिर आगे चर्चा। तो सामने देखिए काली माता मंदिर रोड यानी मंगल बाज़ार चौक के बिल्कुल पास हैं आप, और 20 फुट के इस रोड पर आपको ये प्लॉट मिलेगा जी, जिसमें 20 फुट का फ्रंट है और अगर गहराई की बात करें तो 36 फुट की गहराई है, ठीक है। और देख लीजिए आप सामने जो है कि घर भी अच्छे बने हुए हैं। यहाँ कोने पे ही मैं खड़ा था, ये सारे घर जो है कि लाइन से एक जैसे बने हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप जो है कि सामने की तरफ देखेंगे यानी कि इस प्लॉट के सामने, तो प्लॉट के सामने भी आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है। और यही कारण है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर और अच्छी ग्रोथ मिलेगी और अच्छी जेंट्री देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं प्राइस की कि भाई प्राइस क्या होगा। तो आप देख लीजिए 20 फुट के फ्रंट से ये जो दीवार है, इस दीवार से 20 फुट के फ्रंट से यहाँ तक मान के चलिए जो घर की दीवार आ रही है, ठीक है, 20x36 का साइज़ है, 80 गज का। अगर पूरा लेते हैं तो आपको ये मिलेगा, सिंपल सी बात है, 32,000 रुपये गज के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप इसमें से आधा लेते हैं तो आधा आपको मिलेगा 33,000 रुपये गज के हिसाब से। यानी छोटा टुकड़ा लेंगे तो वो मिलेगा 33,000 रुपये गज के हिसाब से, बड़ा टुकड़ा लेंगे तो वो मिलेगा 32,000 रुपये गज के हिसाब से। दूसरी बात ये कि इस प्राइस में नेगोशिएशन है, आपका मान सम्मान करेंगे, बेफिक्र रहिए। ऐसा ना सोचे कि भाई फिक्स प्राइस है, जो फिक्स प्राइस होता है वो हम बता देते हैं, लेकिन इसमें हम आपका मान सम्मान करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर्टी जो कि 20x, ठीक है, साइज़ जो इसका है वो है 20x36, यानी कि पूरी की पूरी अगर इसे देखें तो 80 गज की है। ये आपको 40 गज भी मिल जाएगी, यानी इसमें से आधा भी आप लेना चाहें तो 10x36 का साइज़ बनेगा, 40 गज भी मिल जाएगी, ठीक है। लोकेशन में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात ये कि मेन बस स्टैंड से बिल्कुल ही नज़दीक है, हम बात करते करते बस स्टैंड तक पहुँचेंगे, ठीक है। और फिर आप वीडियो में टाइम भी देख लीजिएगा, स्किप नहीं करूँगा। तो चलिए, अब तो हुई प्लॉट की बात, लोकेशन मैंने आपको समझा दी, और जो ये आपको गलियां दिख रही हैं जिस पर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सीवर का काम बहुत जल्द जो है पूरा भी हो जाएगा। मेन रोड से मात्र 150 मीटर की दायरे में छोटी प्रॉपर्टी, बड़ी भी है, 80 गज भी मिल सकती है। एक टाइप का स्क्वायर प्लॉट तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि एक जो आदर्श डायमेंशन होती है वो आपको मिल रही है। 20 फुट का चौड़ा फ्रंट मिल रहा है, 36 गहराई मिल रही है, 2 रूम सेट का आपका बड़ा बढ़िया जो है कि इसमें डिज़ाइन बन जाएगा, चाहे आप कैसा भी डिज़ाइन कर ले घर को। तो अब हम आ गए मेन भाग्य विहार बस स्टैंड वाली रोड पर, ठीक है। तो देखिए, आपको साफ बता दूं कि अगर हम सुविधाओं की बात करेंगे तो भाई दिल्ली की ऐसी कोई भी कॉलोनी नहीं है जहां पर सुविधाओं की कमी है। हाँ, थोड़ी जो है ट्रांजिशन स्टेज में कॉलोनियाँ चल रही हैं, जिसके कारण क्या है कि भाई टूट फूट, कीचड़, पानी, नाला, सीवर सब रोड पर ही है अभी, ठीक है, गलियों में ही है। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे ना, तो फिर दिल्ली की कॉलोनियों की कोई टक्कर नहीं होगी। दिल्ली पूरा शहर है वो एक अलग ही तरीके से आपको दिखाई देगा, यकीन मानिए। तो सुविधा वही है, रोड, नाली, बिजली, पानी और सीवर का काम अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लोकेशन आप देख ही लीजिए, अगल बगल जो है कि घर बढ़िया बने हुए हैं। स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल यहाँ पर रानीखेड़ा गाँव के पीछे जो है कि दो स्कूल हैं, एक स्कूल रानीखेड़े गाँव के पीछे और मुबारकपुर के पास जो है इस कॉलोनी के पीछे 2 स्कूल हैं 12वीं तक के, जिसमें सभी तरह के विषयों की पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल हो गए, प्राइवेट दुनिया भर के हैं, वो बताने की ज़रूरत है नहीं। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर अगर हम बात करें तो भाई ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि जो भाग्य विहार की जो लोकेशन है, जो कनेक्टिविटी है, वो क्या है, क्योंकि पूरा की पूरा जो भाग्य विहार है वो बसा हुआ है रोड के साथ साथ, लगभग 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर। तो इसीलिए मेन रोड से पूरी कॉलोनी 500 मीटर के दायरे में ख़त्म हो जाती है, कहीं कहीं 1 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए DTC की बहुत अच्छी सर्विस है, ठीक है ना। और मेट्रो, तो भाई मेट्रो यहाँ से आपको 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे मिली जाती है। और बात करते करते हम ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ मैंने आपको प्लॉट दिखाया था कि भाई इसी गली में हमने 60 गज का प्लॉट बेचा था और जो बहुत जल्दी बिक गया। तो यहाँ से आप देख लीजिए कितने मिनट मुझे लगे हैं चलते हुए प्लॉट से आते हुए, और हम मेन रोड पर आ चुके हैं। देखिए, मेन रोड पर हम आ चुके हैं। तो लोकेशन अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी है, कनेक्टिविटी है, और यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर UER2, और अगर इसी रोड को पकड़ के जाएंगे, मतलब जिस मुंडका कराला रोड को अगर हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ से एग्जैक्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर UER2 आपको इसी रोड पे मिलेगा,
मतलब कहीं एंट्री घुसने के लिए आपको कहीं से तोड़फोड़ नहीं करनी है। इसी रोड को UER2 क्रॉस करेगा, और कितना क्रॉस करेगा तो भाई 1 किलोमीटर के दायरे में एग्जैक्टली, ठीक है। तो UER2 की एंट्री मिल जाएगी, कहीं भी जाना चाहें दिल्ली से बाहर वहाँ जा सकते हैं आप, ठीक है ना। भाग्य विहार का बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है भाग्य विहार का, जहाँ से आपको DTC की सारी बसें मिल जाएंगी, 929, 991, 935, 938 बी और 567 ABC, ऐसे ही है कुछ, और भी 2-3 बसें हैं, 935 भी हैं। तो देख लीजिए कि इतनी पास मेन रोड से, इतनी पास की लोकेशन में आपको 40 गज का ही प्लॉट मिल जाएगा, 80 गज का ही प्लॉट मिल जाएगा। सुविधा सारी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, अभी काम चल रहा है, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो आपको ये प्लॉट और महंगे मिलेंगे। आने वाले टाइम में शायद अपनी जेब से बाहर हो जाए ये प्रॉपर्टी, जो प्राइस होंगे वो डेफिनेट सी बात है कि भाई अप्रिशिएट होंगे ही। और अगर आप हमें शुरू से देख रहे हैं, जब से मैंने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी पर काम करना, तो आपको पता होना चाहिए कि आज से लगभग 3-4 साल पहले यहाँ प्रॉपर्टी के रेट 16-18 हज़ार रुपये गज हुआ करते थे चौड़ी गली में। आज अगर 30,000 रुपये गज में कोई छोटा प्लॉट 35,000 रुपये गज में भी आपको 20-25 फुट पर मिल जाए, तो खैरियत मानिए कि आपको मिल गया, बस भाग्य और लक की बात रहेगी वो आपके। तो इसीलिए आपसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आइए, और ज़रूरी नहीं हमारे ही पास आना है, आइए कॉलोनी घूमिए, डीलरों के पास घूमिए, अपना पता लगाइए रेट का, प्रॉपर्टी का और लोकेशन का। हम ये कहते हैं कि भाई आप आए, मन करे तो हमारे पास आए, और हम मन नहीं कर रहा है, लगता है कि भाई बंदा ठग सकता है, तो कृपया करके आप कॉलोनी में घूमें, शायद हमसे बेहतर और सस्ती प्रॉपर्टी भी मिल जाए, हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, लेकिन जाने से पहले बता दूँ कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे सिर्फ इस 80 गज की ही नहीं, और भी प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है उसकी भी जानकारी आपको दे सकते हैं। 25 गज के प्लॉट से लेकर 50, 100, 150 और 200 गज के प्लॉट तक की कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी लोकेशन पे चाहिए, भाग्य विहार में, बाहर की नहीं, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई सुझाव है तो सुझाव भी ज़रूर दीजिए, इससे क्या होता है हमें अपनी जो भी कमियां होती हैं उसे सुधारने का मौका मिलता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।